Everyone, so today we are going to learn exercise number 5.2, the question number 3. Draw a pie chart showing the information. The table shows the colors preferred by a group of people. Now, yahan pe colors prefer kiye gaye hai and yahan pe hai number of people. Blue is 18, green 9, red 6 and yellow 3. In total, yahan pe hai 36. Now, other information mein hamare paas yahan pe given hai. Find the proportion of each sector. हमें सारे सेक्टर्स के प्रोपोर्शन फाइंड करने हैं. नाउ हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है. सो विदाउट सेंट्रल एंगल वी कांट ड्रॉ द पाई चार्ट. सो हमें पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा. सो इसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है. फॉर एग्जांपल, ब्लू इज 18/36. नाउ 18 टोटल है यहाँ पे 36, हम ये रखेंगे इज इक्वल टू 1/2. दैट मीन्स यहाँ पे कट किया गया है. 18 टू ज़ा 36 एंड 18 कट, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2. देन ग्रीन इज 9/36 इज इक्वल टू 1/4 एंड सो ऑन. और ऐसे ही हमें बाकी के करने हैं. यूज दिस टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स सेंट्रल एंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे. सो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 कॉलम्स होना ज़रूरी है. फर्स्ट 2 कॉलम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन फ्रैक्शन एंड देन सेंट्रल एंगल. नाउ कलर्स एंड नंबर ऑफ पीपल गिवन है, अभी हमें उसके ऊपर से फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास है ब्लू, जिसका हमारे पास नंबर ऑफ पीपल है 18 और इसका टोटल है 36. सो एज पर द इंफॉर्मेशन 18/36 हमें क्या लेना है 1/2. वो कैसे आया, 18 टू से अगर हम कट करेंगे यहाँ पे, सो 18 कट देन 1/2. ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, राइट. सो 360 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री. ओके, सो सेंट्रल एंगल में हमें मिलेगा 180 डिग्री. नाउ सेकेंड हमारे पास है 9/36. सो इसको अगर हम कट करेंगे देन 9/4 = 36. सो 9 कट, सो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1/4 into 360 डिग्री. सो इसको हम कट करेंगे, सो हमें 360 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मिलेगा 90 डिग्री. देन रेड में हमारे पास है 6/ टोटल यहाँ पे हमारे पास है 36. तो इसको अगर हम कट करेंगे 6/6 = 36, तो 6/6 हो जाएगा कट. क्या बचेगा ऊपर, कुछ नहीं तो हम 1 पुट करेंगे एंड हियर इज अ 6 मल्टीप्लाई बाय 360. नाउ 360 डिवाइड बाय 6, बिकॉज यहाँ पे 1 हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 360 इंटू 1 तो 360 होगा. सो 360 डिवाइड बाय 6 हमें मिलेगा 60 डिग्री. देन द लास्ट वन इज येलो, दैट इज 3/ टोटल इज अ 36. सो 12 × 3 = 36, 3 कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/12 × 360 डिग्री. सो 360 डिवाइड बाई 12 करेंगे हमें तो आंसर में मिलेगा 30 डिग्री. ओके, सो नाउ यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल मिल गए 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. नाउ इसके ऊपर से अभी हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. हम ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट. सो पाई चार्ट के लिए हम यहाँ पे रफ में एंगल्स लिख लेंगे. सो ब्लू में हमारे पास है 180 डिग्री, ग्रीन में है 90 डिग्री, रेड में है 60 डिग्री एंड येलो में हमारे पास है 30 डिग्री. ओके, सो नाउ ब्लू से हम स्टार्ट करेंगे. ब्लू में हमारे पास कितना है 180 डिग्री. सो प्रोटेक्टर लेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ से पॉइंट रखा है हमने, तो यहाँ पे हम ये मिडल रखेंगे. ये इज 0 एंड 180 कहाँ पे है, यहाँ पे. सो यहाँ पे हम रखेंगे 180. ओके, सो ये हो गया हमारा 0 to 180. ना यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ही आएगा. सो ये हमें मिल गया है ब्लू, दैट इज 180 डिग्री. नाउ सेकेंड इज अ ग्रीन, दैट इज 90 डिग्री. सो इसको हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ये हो गया 0. 90 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे. सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे.
सो ये हो जाएगा ग्रीन 90 डिग्री, देन रेड, रेड कितना है 60 डिग्री, सो यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, नाउ 60 कहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे, सो यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे 60 पे, देन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये 60 कौन सा है कलर, रेड 60 डिग्री, एंड जो लास्ट बचा है वो कौन सा होगा, येलो दैट इज 30 डिग्री, सो हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे ज़ीरो है, सी या पॉइंट पे, यहाँ पे ज़ीरो एंड यहाँ पे 30 डिग्री, सही हो गया हमारा येलो, ओके, सो दिस इज़ अवर पाई चार्ट, ब्लू 180 डिग्री, ग्रीन 90 डिग्री, रेड 60 डिग्री एंड येलो इज़ 30 डिग्री, सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3.